जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत जीवाणु की संरचना, उससे संबंधित रोगों व निदान का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाणु की संरचना, यानी कि जो बैक्टीरिया है, फंगस यानी बैक्टीरिया, उनकी संरचना कैसे होती है, वो कैसे बनते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? जीवाणु विज्ञान से। और उनसे होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है, और उन रोगों का ट्रीटमेंट क्या है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत। जैसे कुछ बैक्टीरियाएं होती हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युग्लिना हो गया, ये सब छोटे छोटे जीवाणु बैक्टीरियाएं हैं। कुछ और भी बैक्टीरिया हैं, इनके माध्यम से हमें बहुत सारा क्या हो जाता है, रोग हो जाता है, डिजीज हो जाता है। तो उन्हीं सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, कि वो रोग हमें कैसे हुआ, उसका इलाज क्या है, या आखिर बैक्टीरिया की संरचना कैसे हो रही है, ये बन कैसे रहे हैं, सब उन्हीं सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें? जीवाणु विज्ञान में। ओके, क्लियर। तो किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत इसकी संरचना और उससे संबंधित रोगों और निदान का, यानी कौन कौन से रोग उससे होते हैं और उसका इलाज क्या है उन जीवाणुओं का। ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैव रासायनिक विज्ञान। जैव रासायनिक विज्ञान के अंदर हम बात करने वाले हैं सजीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं। अच्छा, सजीव, सजीव किसे कहते हैं? बहुत लोगों से क्वेश्चन करने पर सजीव और निर्जीव में डिफरेंस बताइए, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। कहते हैं जिसमें जान होता है सजीव है, जो मर जाता है वो निर्जीव है ना। लेकिन यहाँ साइंस की अगर भाषा की बात की जाए, तो सजीव और निर्जीव की जो डिफिनेशन होगी वो कुछ इस प्रकार होती है। मैं आपको यही बता देता हूं, सजीव जो वृद्धि करे, जो क्या करे, जिसमें ग्रोथ हो, उसको सजीव कहते हैं। जो डेवलप करे यानी कि विकास करे, चले, मूवमेंट जिसके अंदर हो, कुछ जो ग्रोथ करे, जिसके अंदर कुछ मूवमेंट हो, वो सजीव है। जो उत्सर्जन करे, जो भोजन करे, जो प्रजनन करे और अपने अंदर रखे अपशिष्ट पदार्थों को क्या करे, बाहर निकालता हो, उसको क्या कहते हैं, सजीव है। जो ब्रीदिंग करता हो उसको सजीव बोलेंगे। ये विज्ञान यानी साइंस का डिफिनेशन है, विज्ञान का इस तरीके से सजीव का डिफिनेशन दिया जाता है। और निर्जीव का ठीक इसके उलट, वो ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। जैसे ये मार्कर है, इसमें कोई मूवमेंट होगा अगर इसको रख देते, नहीं होगा। जानवर जीव को आप देखेंगे जो पृथ्वी पर चल रहे हैं, वो पहले छोटे होते हैं, छोटे से धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये मार्कर है, इसको अगर रख दिया जाए तो क्या ये बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मूवमेंट करेगा? नहीं करेगा। भोजन करेगा? नहीं करेगा। बच्चे पैदा करेगा? नहीं करेगा। मतलब प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं, नहीं करेगा। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा? नहीं निकालेगा। उत्सर्जन करेगा? कुछ नहीं ऐसा करने वाला। ये सांस लेगा? नहीं करेगा। तो जो इतनी सारी चीजें करता होगा, सांस लेता होगा, प्रजनन करता होगा, भोजन करता होगा, मूवमेंट होगी उसके अंदर, उसको कहेंगे हम सजीव। तो उन सजीवों के अंदर होने वाली, शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं जैव रासायनिक विज्ञान। क्या कहते हैं? जैव रासायनिक विज्ञान। अब सजीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं क्या है? तो रासायनिक क्रिया, हम भोजन करते हैं, भोजन पचता है, वो रासायनिक क्रिया हो गई। ब्लड बनता है, रासायनिक क्रिया हो गई। ठीक है, इन जो भी हमारे बॉडी के अंतर्गत अंदर होती हैं, ठीक है, सांस लेना, भोजन करना, पाचन होना, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है, वो सब के सब क्या हो गई, जैव रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं, यानी रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं उसको। ठीक है, क्लियर। भोजन का पचना तो मुंह से दांत से ही शुरू हो जाता है। हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं, पचना शुरू हो जाता है, वो चाहे रासायनिक क्रिया हो गई, वो क्या हो गई, रासायनिक क्रियाएं हो गई। क्लियर। तो जो भी बॉडी के अंतर्गत होती है, हमारी बॉडी में होती है, वो सब के सब क्या है, जैव। तांत्रिक विज्ञान के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा, किसका? तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब ये तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, ये यहां पाया जाता है। इसी के माध्यम से पूरी बॉडी को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसमें पाए जाने वाले न्यूरॉन,
डेंड्राइट्स, एग्जाम्स जो होते हैं वो सब हमें निर्देश देते हैं, सूचनाएं देते हैं कि कैसे हमें काम करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें बोल रहा हूं तो हमें सूचनाएं देते हैं, हम सुनते हैं तो किसके माध्यम से, इन तंत्रिका तंत्र, ये सबका सब माइंड से कनेक्टेड है, हमारे कान नाक आंख त्वचा मुंह जितने भी हैं सबके सब किससे कनेक्टेड, तंत्रिका तंत्र से कनेक्टेड हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर हाथ पीछे किए, अगर यहाँ कोई गर्म चीज रखी हुई है, अगर तुरंत उसमें हम हमको पता नहीं है और ऐसे डाला हाथ तो तुरंत जलेगा और हमें पता चल जाएगा गर्म, हम फटाक से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, हमें मिली सेकेंड के अंतर्गत सूचनाएं मिल जाती है कि भाई तुम्हें तुम्हारे पास खतरा है, तुम अपने हाथ को हटाओ नहीं तो वो जल जाएगा। कौन देता है, तंत्रिका तंत्र देता है। हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से हमारे सामने कोई बड़ा सा शेर आ जाए, जानवर आ जाए या सांप आ जाए तो हम डर के मारे भागते हैं, बहुत तेज भागते हैं, है ना। कैसे कैसे भागते हैं हम, कौन बताता है कि भाई भागो तुम्हारे सामने खतरा है, कौन बताता है, तंत्रिका तंत्र बताता है कि भागो शेर आ गया, खतरा है, सांप आ गया। हम देखिए जाते हैं सड़क पर चल रहे होते हैं, अचानक से पैर में कांटा चुभे से मुंह से निकलता है, कांटा चुभ गया, वो कौन बताता है कि तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया, हटा लेते हैं पैर, हम अचानक से हटाते हैं, कौन, तंत्रिका तंत्र बताता है। इसके अंतर्गत क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इसके अंतर्गत, क्लियर। तो जैव तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, जैव तंत्रिकी विज्ञान के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया जाता है, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं, बायोनॉमिक्स, बायोनॉमिक्स के अंतर्गत जंतु पौधे वातावरण के साथ का संबंध क्या है अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है जंतु तथा पौधे के साथ वातावरण का क्या संबंध है, यही इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए कि बहुत जगह देखे होंगे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, कई जगह गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, कई जगह केवल ठंड बारिश ही होती रहती है, तो जिस जैसा मौसम होगा उसके अनुसार वहाँ पर जंतु होंगे, उसके अनुसार वहाँ पर क्या होंगे, वनस्पतियाँ होंगी। बहुत ज्यादा जहां गर्मी पड़ेगी, बरसात होगी, तापमान होगी, वहां घना क्या, घना जंगल होगा, खूब बड़ी बड़ी जंगल से घासें होंगी, झाड़ियां होंगी, बहुत घना होगा। वहां पर दोनों प्रकार के, दो प्रकार के जंतु पाए जाएंगे, एक शाकाहारी जंतु और एक मांसाहारी जंतु, दोनों प्रकार के जंतु पाए जाएंगे, ये संबंध है वहां पर, यानी जलवायु और सॉरी वातावरण और पौधे जंतुओं के बीच में। यानी जहां का मौसम जैसा होगा उस तरीके का जंतु वहां पर पाए जाएंगे, जहां छोटे छोटे घासियां होंगी, पेड़ पौधे होंगे, वहां पर छोटे छोटे जंतु पाए जाएंगे। जहां पर बिल्कुल ठंडक पड़ेगी, वहां का वातावरण बिल्कुल क्या होगा, ठंडा होगा, वहां पर मोटी चमड़ी के जंतु पाए जाएंगे। उनकी चमड़ी क्या होगी, मोटी, जैसे गैंडा हो गया, ठीक है, वैसे जंतु पाए जाएंगे। जहां पर टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल रहेगा वातावरण, वहां पर क्या, सामान्य जंतु पाए जाएंगे, जो तीनों चीजों को, गर्मी बरसात ठंडी, तीनों को सहन कर सके, वैसे जंतु पाए जाएंगे। जैसे अभी देखिए यहाँ पर अपने ही देख पर अपने क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको क्या, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी गाय घोड़ा खच्चर सब कुछ देखने को मिलेगा। क्यों, वो सब उनको भेज दिया जाए ठंडे प्रदेश में तो क्या हो सकते हैं, मर जाएंगे, क्योंकि उनकी चमड़ी क्या है, वो यहाँ के वातावरण के लायक है, वहां के वातावरण के लायक नहीं है, जहां पर बारहों महीने क्या पड़ती हो, ठंडी पड़ती हो। अब देखिए डायनासोर जो था विलुप्त हो गया, उसने वातावरण के साथ अपने आप को एडाप्ट नहीं कर सका, क्योंकि इसीलिए उसने क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो बायोनॉमिक्स के अंतर्गत जंतु पौधे और वातावरण का क्या संबंध है आपस में, उसका अध्ययन किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट है सिरामिक्स, सिरामिक्स के अंतर्गत, सिरामिक्स विज्ञान, इसके अंतर्गत कांच व चीनी मिट्टी के बर्तन किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। कांच का बर्तन कैसे बनता है, शीशे का ग्लास है ना, देखा होगा आपने, वो किस तरीके से बनता है, चीनी मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, उन्हीं सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, सिरामिक्स में किया जाता है।
यानी सिरामिक्स के अंतर्गत कांच से बनने वाले और चीनी मिट्टी से बनने वाले बर्तन का अध्ययन किया जाता है। अब बहुत सारे बर्तन आप देखेंगे कि कांच के होते हैं, जैसे प्लेट भी हो गई, थाली भी हो गई, कप भी हो गया, ये सब के सब क्या हो आने लगे हैं, कांच के आने लगे हैं, लेकिन वो बनता कैसे है चीनी मिट्टी से, उसी का अध्ययन किया जाता है, सिरामिक्सिंग किया जाता है।